सभी मुरैना जिले वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक जो है वो चल रहा है और बहुत गंभीरता के साथ मैं आपको ये अवगत कराना चाह रही हूँ कि ये बीमारी जो है हमारे जिले में दस्तक दे दी है। हमारे वार्ड 47 के दो निवासी हैं जिनको हमने हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका टेस्ट रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है, तो उनको जो है पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जो है उनका उपचार जिला अस्पताल में ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो आज का मेरा जो एड्रेस है हमारे शहरवासियों के लिए एंड खास करके वार्ड 47 के समस्त निवासियों के लिए है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वार्ड 47 जो है हमारे कंटेनमेंट प्लान जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया है उसके हिसाब से पूरे वार्ड 47 का लिंक जो है रेस्ट ऑफ द शहर के साथ जो है उसको कट ऑफ कर दिया जा रहा है। वार्ड 47 अपने आप में एक यूनिट हो जाएगा और उसको जो है नो व्हीकल जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि वार्ड 47 का कोई भी रहवासी जो है अन्य वार्ड के साथ अभी संपर्क नहीं रखेगा, किसी भी कार्य के लिए जो है वो अभी अन्य वार्ड के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि जिले में पूर्व से ही 144 लागू है। तो वैसे भी बहुत सारे लोग अभी घर के अंदर ही सेल्फ ही आइसोलेशन में रह रहे हैं। मेरा पुनः वार्ड 47 के समस्त रहवासियों के लिए और आप सबके खुद के हेल्थ के दृष्टिगत जो है आप सबसे अपील है कि आप लोग घर के अंदर ही रहिए। वार्ड 47 के लिए जो हम लोग स्पेशल व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। वार्ड 47 को क्योंकि हम नो व्हीकल जोन बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वार्ड 47 का कोई भी रहवासी अपने व्हीकल के संसाधन से, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो दो पहिया वाहन हो या किसी प्रकार का वाहन हो, उससे वो रेस्ट ऑफ द शहर में नहीं मिल सकता अगले 14 दिन के लिए। और इसका अगर उल्लंघन किया जाएगा तो ये कानूनन अपराध होगा, क्योंकि आप अपने साथ साथ अन्य सभी शहरवासियों को जो है रिस्क देंगे। सेकेंडली, वार्ड 47 के समस्त रेसिडेंट्स का डोर टू डोर सर्वे होगा हेल्थ टीम के द्वारा। इसके लिए एक मेडिकल टीम और दो मोबाइल मेडिकल टीम जो है आज शाम से ही तैनात किया जा रहा है, जो डोर टू डोर सर्वे का कार्य जो है प्रारंभ करेंगे। इसमें इनका मुख्य काम ये रहेगा कि समस्त रहवासियों की हेल्थ चेकिंग करना और इसमें ये निकालना कि ऐसा कोई भी रेसिडेंट है क्या जिसको सर्दी खांसी या कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स है कि नहीं है। उसको अगर साधारण सर्दी खांसी या बुखार या रेस्पिरेटरी किसी प्रकार की दिक्कत अगर सामने आ रही है तो उन समस्त शहरवासियों का वार्ड 47 के अंदर जितने लोग आ रहे हैं समस्त वार्ड वासियों को जो है उनका सैंपल लिया जाएगा और उनके सैंपल्स को फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। दूसरा चीज है कि क्योंकि अब ये वार्ड 47 के निवासी अन्य कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इनकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए मान लीजिए अन्य किसी चीज का कंसल्टेशन करना है तो उसके लिए जो है टेली मेडिसिन अवेलेबल रहेगा। आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करके हमारे डॉक्टर्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं और वो जो है आपको वहीं से कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। जिनको दवाइयों की आवश्यकता होगी वो दवाइयां भी आपके पास जो है हमारे ही हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस कंटेनमेंट जोन के अंदर जो भी वाहन आएंगे, फॉर एग्जांपल प्रशासन, हमारा वाहन, पुलिस का वाहन, राजस्व विभाग का वाहन, नगर पालिका का कचरा वाहन, ये जो अंदर आएंगे ये समस्त वाहनों का जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से जो है इसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। और इसके लिए जो है जहां पे हम अपनी बैरिकेटिंग कर रहे हैं इस बैरिकेटिंग के बाहर फायर ब्रिगेड नगर निगम की मशीन जो है वो वहां पे तैनात रहेगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल मैं अंदर गई और फिर चेकिंग के लिए गई और फिर मैं बाहर आई, या हमारा हेल्थ वर्कर जो अंदर आए वार्ड 47 में और वो फिर चेकिंग करके बाहर आए, इनको भी आवश्यक रूप से जो है सैनिटाइज किया जाएगा। ये बहुत ही आवश्यक है, ये 14 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वार्ड 47 के समस्त
निवासियों के लिए। तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग जो है अपने घर के अंदर रहिए। प्रशासन वार्ड 47 की पूर्ण जिम्मेदारी ले रहा है और आपके पूरा हेल्थ चेकअप जो है अगले 2 दिन के अंदर करके जो है हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचना चाह रहे हैं कि अन्य किसी को हेल्थ रिस्क है कि नहीं। ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूं ताकि आप घबराए नहीं, अन्य किसी सोर्स से गलत जानकारी लेके खुद घबराए, पैनिक करे या फिर जो है गॉसिप या र्यूमर में आके आपको खुद को टेंशन हो, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दोनों जो पेशेंट जो हमारे जिला अस्पताल में अभी एडमिट है है और उनकी जो है पूरी देखभाल की जा रही है, आप सबकी मैंडेटरी हेल्थ चेकअप इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर आप में से किसी में भी कोई लक्षण है तो उसको हम स्क्रीन आउट करके आपका उपचार जो है तुरंत शुरू कर दें। ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे वार्ड 47 के लिए कोविड कॉम्बैट रेस्पॉन्स टीम के हेड हैं वो डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय रहेंगे। उनका टेलीफोन नंबर अभी मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगी। टेलीमेडिसिन का एक नंबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टेलीमेडिसिन पे हमारे पास राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे 3 डॉक्टर्स बारी बारी के शिफ्ट में उपलब्ध रहेंगे। एक है डॉक्टर नरेश गांधिल, दूसरे डॉक्टर विक्रम सक्सेना, तीसरा डॉक्टर संजय शर्मा। स्क्रीन पे जो है मैं ये नंबर्स आपके साथ शेयर कर रही हूं और इसको अलग से भी जो है फेसबुक और ट्विटर के पेज पे इसका फोटो खींच के दे दिया जाएगा ताकि जो है आप लोग इसका उपयोग कर सके। मेरा पुनः निवेदन है कि ये सिर्फ वार्ड 47 के लिए ये डॉक्टर्स अवेलेबल है, बाकी जितने भी शहरवासी हैं उनके लिए जिला अस्पताल और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 104 उसके माध्यम से जो है आपको स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हमारे इस पूरे प्रयास में आप हमारा सहयोग करिए और घर के अंदर रहिए, किसी भी प्रकार का धारा 144 का उल्लंघन मत कीजिए और घबराइए नहीं। हम लोग सभी यहाँ पे शहर में उपलब्ध है, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला हो, चाहे राजस्व विभाग का अमला हो, हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे, घबराइए नहीं। और आज ही से शामी से जो है हमारा पूरा एक्शन जो है शुरू हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो इस परिवार के अन्य सदस्य थे उनको हमने पहले ही 2 दिन पहले ही इनको हम हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी में शिफ्ट कर चुके हैं। इनके साथ संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उसका भी हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है, वो कोई भी अभी फिलहाल वार्ड 47 में नहीं है। जितने भी लोग वार्ड 47 में इस परिवार के संपर्क में थे या इनके निकट जन थे, कॉन्टैक्ट यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग थे इनको ऑलरेडी हम हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर चुके हैं। अगर फिर भी आप में से किसी को लगता है कि आप उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हैं तो हमारे हेल्थ टीम को जरूर बता दीजिए, हम आपको भी क्वारंटाइन कर लेंगे। धन्यवाद।